देख रहे हैं क्राइम टाइम। क्राइम टाइम हमेशा आपके लिए नया कुछ घटी घटनाओं को लेकर आता है। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से नाबालिग से दुष्कर्म मामला, जहां चार युवकों ने नाबालिग दुष्कर्म किया, जहां सरकार द्वारा गांव-गांव में शौचालय ये सारी सुविधाएं दी जा रही, घर की सुविधाएं दी जाए, शौचालय की सुविधाएं दी जाए, लेकिन देश में अधिकतर दुष्कर्म गांव में होते हैं। वो भी तब होते हैं जब महिला शौच के लिए जाती है, वहां पर मौका पाकर अपराधी इस अपराध को अंजाम देते हैं। और अधिकतर गांवों में शौचालय की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जहां सुविधा मिली नहीं, और जिनको मिली भी है वो लोग अपने यहां शौच करके ना जाकर गांव के खेतों में जाते, जिससे अधिकतर दुष्कर्म के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। लेकिन बात शौचालय की नहीं है, बात ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा भी होना चाहिए, लोगों के अंदर की समझ भी जरूरी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया का मामला, जहाँ एक नाबालिग 15 वर्षीय लड़की शौच के लिए सुबह जाती है, उसी के गांव में रहने वाले चार युवक उसको पीछे से दबोच लेते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म के बाद उसका वीडियो बना लेते हैं और उससे कहते हैं अगर उसने मुंह खोला तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन कैसे पहुंचती है पुलिस तक ये बात, कैसे अपराधी पहुंचते हैं सलाखों के पीछे, कैसे पहुंची पुलिस इस मामले तक, आइए आपको बताते हैं विस्तार से उत्तर प्रदेश के बलिया से नाबालिग किशोरी के इस दुष्कर्म मामले पर एक नज़र। बलिया में 15 साल की लड़की का गैंग रेप, चार आरोपी हिरासत में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बाजडी कोतवाली क्षेत्र के गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ चार युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। किशोरी ने मंगलवार को बताया कि शौच जाते वक्त उसे पीछे से दबोच लिया गया था, उसका मुंह व आंखें बंद कर दी गई थी और उसके साथ कथित बलात्कार करने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी न देने की धमकी दी तथा ऐसा करने पर बलात्कार का वीडियो वायरल करने को भी कहा गया। परिजनों के आरोप हैं कि घटना के अगले ही दिन उनके द्वारा मामले की तहरीर बाजडी पुलिस को दे दी गई, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई की बात बाजडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सोमवार शाम सोशल मीडिया पर मामला उजागर होने के बाद पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी हुई। पुलिस अधीक्षक रामकरण नैयर ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता शिकायत पर सोमवार को चार युवकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो एक्ट अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। उन्होंने बताया कि पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपी 18 से 20 वर्ष के हैं। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।